पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रुचि रावत अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो अभी टाइम हो गया है सुबह के 7:30। हम पहुँच गए हैं खेत में। तो खेत में आजकल गन्ना छील रहे, नया वाला गन्ना लगा रखा था, ये भी जम गया है। और इधर अब लगेंगे धान, जो ये खेत खाली है। और हम जा रहे हैं अभी इस वाले खेत में जहाँ पे ये गन्ना खड़ा हो रखा है। और अभी हमारा गन्ना बहुत ज़्यादा रह रखा है, तो चलते हैं खेत की ओर। वहाँ पे ससुर जी सास जी काट रहे गन्ना। अभी टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं। तो यहाँ पे अभी बैठ रखे हैं हम पानी पीने के लिए। भर दिया है टिपलर, तो गन्ना जा रहा कांटे पे। और ये हरा हो रखा है यहाँ पे कली। और यहाँ पे हवा भी चल रही है आज बहुत, पेड़ भी हिलने लग गए हैं। हम यहाँ पे बैठ रखे हैं छाया पे। ये है यहाँ पे नाला, नाले में आज बहुत पानी चल रहा। आगे कर दे तो सब लोग गिर जाएगा। आगे करो, उठा के और यहाँ पे बहुत पानी भर रहा है। टाइम हो गया है सुबह के 8 बज गए हैं। तो आज है मेरा ब्लॉग का दूसरा दिन। तो कल रात फिर से बहुत आंधी तूफान आया था, तो हमारे जो लीची फल फ्रूट थे सारे झड़ गए हैं। से हमने यहाँ पे 3 बाल्टी आम इकट्ठे करके रख रखी हैं। और इस जो लीची का पेड़ था वो पूरा खाली हो गया है, सारी लीची ख़त्म हो गई। लीची 1 हफ्ते बाद पक जाएंगी जितनी रह रखी। और ये हल्की सी लाल होने लग गई है, ये रहे। का मौसम हो रखा है कुछ इस तरीके से, और हल्की सी धूप आ रखी है। यहाँ पे ये वाले फूल भी खिल गए हैं। ड्यूटी लग रखी है झाड़ू मारने की। पे जो एक टमाटर हो रखा था वो भी लाल हो गया है, वो पूरा लाल हो गया है, ये देखो। और ये एक ही हो रखा है, तो हम इसे बीज के लिए रख देंगे। देसी टमाटर है ये, टमाटर हो रखा है इस पर। हमने खेत के कपड़े भी पहन लिए हैं और आप जा रहे हैं हम खेत की ओर। तो खेत में अभी गन्ना बहुत रह रखा है, तो आजकल मैं भी जाती हूँ। आजकल निक्की अक्की घर में रहते हैं, तो घर का सारा काम वो दोनों करते हैं। खेत में था और ये पेड़ भी खाली हो गया, इतनी आंधी तूफान चली कि ये पेड़ भी टूट गए, ये वाले। जा रहे हम खेत की डॉल पे, यहाँ पे ये बीचों बीच रास्ता है।
है में बहुत ज़्यादा पानी चल रहा, कल हल्की सी बारिश भी हुई थी, तो यहाँ ऐसे होता है बारिश थोड़ी सी भी पड़े पानी चलने लग जाता है। हम लेट हो गए हैं खेत के लिए, आज हम आ रहे 8:30 बजे खेत पे। टाइम हो गया है शाम के 8:30, तो फिहान ने यहाँ पे बना ली रोटी, तो रोटी बनाते बनाते आज अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।